नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आवाज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की बयार जो है वो अपने शबाब पर है। जी हाँ, दो चरणों के चुनाव समाप्त होने के बाद तीसरा और आखिरी चरण का जो है मतदान कल होने वाला है। बिहार के 78 सीटों पर कल जो है लोकतंत्र अपना जो है मत देगी। बिहार की इस राजनीतिक पटल में जो भी गतिविधियां पिछले एक दो महीने से रही हैं चुनावी प्रचार के दौरान, वो काफ़ी ही खट्टी मीठी रही हैं। कई तरह के बातों को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल और चुनावी सभाओं में कई तरह के वादे, कई तरह के मैनिफेस्टो में बातें और बहुत ऐसी चीज़ें इस चुनाव में सुनने को मिली जो कि बिहार के राजनीतिक दशा और दिशा को हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिले। जी हाँ, कल मतदान है और आज आवाज 24 न्यूज़ के स्टूडियो और कार्यालय से हम इस डिबेट में बैठे हुए हैं कुछ अनुभवी पत्रकारों के साथ, कुछ उन जमीनी पत्रकारों के साथ जिन्होंने बिहार के कोने कोने में अपनी पत्रकारिता को जो है समझने की कोशिश की, जनता के चुनावी मिजाज को कई जिलों में गए, एक तरह से बिहार का हम जो है परिप्रेक्ष्य में उन लोगों से इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के जो है बिहार के चुनाव का जो है मिजाज किस तरह से उन्हें फील्ड पत्रकारिता के दरमियान मिला। इस चीज़ को हम दर्शाने के लिए आज इस डिबेट में बैठे हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे हमारे डिबेट का जो मुख्य अगर हम कहें अतिथि हैं तो अनवर जी हैं। आपका पूरा नाम सर? तारिक अनवर जी हैं। ये दिल्ली के पत्रकार हैं और बिहार चुनाव के स्पेशल कवरेज के लिए ये पिछले एक महीने से जो है बिहार के दौरे पर रहे हैं और बिहार के कई जिलों में इन्होंने ज़मीनी हकीकत जानने के लिए, जनता का मिजाज जानने के लिए इन्होंने अपनी पत्रकारिता की है। आज हम इन्हें शामिल करते हैं। आपका स्वागत है सर। तारिक जी का स्वागत करते हैं इस डिबेट में। और सौरभ जी हैं जो बिहार के पत्रकार हैं, युवक हैं और बिहार की राजनीति पर काफ़ी पकड़ रखते हैं। उस इनकी भी सोच अपनी है बिहार की राजनीति पर और लोगों के बीच जाकर के इन्होंने भी पत्रकारिता की है और इनसे भी हम इनके अनुभव को शेयर करेंगे कि किस तरह का ये चुनावी माहौल जो है 2020 का जो विधानसभा बिहार का रहा है, इन्होंने अपने नज़रिए से किस तरह से उसको आंका है। सुनीता सिंह जी हैं, वो पूर्णिया की एक सोशल एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर सोशल कामों से जुड़ी हुई हैं, यहाँ की राजनीति में ये भी इंटरेस्ट रखती हैं, खुद एक महिला हैं, ये भी जो है राजनीतिक किस तरह से दशा और दिशा पूर्णिया की रही है पूर्णिया के बारे में जरूर इनसे जानना चाहेंगे। अंकित कुमार झा है जो आवाज 24 न्यूज़ के पत्रकार हैं और पूर्णिया के कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के इन्होंने आवाज 24 के लिए रिपोर्टिंग की है और ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की है, जनता के बातों को भी इन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो इनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले बिहार की जहाँ तक बात करें तो ये चुनाव काफ़ी चीज़ों में कुछ इस बार जरूर अलग रहा। जी, क्योंकि कई गठबंधन ऐसे भी बने जो नायाब हैं इस बार के लिए, नए हैं, कई पार्टियों की जो है एक दूसरे में द्वंद्वता भी बढ़ी है जो कि इस बार के लिए जरूर नया है। और सबसे पहले हम अनवर साहब, तारिक अनवर साहब से जानेंगे। तारिक अनवर जी, बिहार के लेवल की अगर हम बात करें तो बिहार में किस तरह का चुनावी मिजाज इस बार आपको देखने को मिल रहा है और जहाँ तक गठबंधनों की राजनीति है, इस बार काफ़ी ज़्यादा अपने उबाल पर है, गठबंधन काफ़ी चल रहे हैं, इंडिविजुअल कम ही ऐसे दल हैं जिसके कैंडिडेट आपको जिला वाइज या विधानसभा में मिलेंगे, गठबंधन की जो है इस बार चुनाव ज़्यादातर देखा जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले तो ये बतलाएं कि इस बार का चुनावी आधार क्या रहेगा? एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिली है इस इलेक्शन में, देखिए गठबंधन वो चुनावी राजनीति की एक सच्चाई है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में होता रहता है। हर पार्टीज़ अपने इलेक्टोरल बेनिफिट के हिसाब से दूसरी पार्टी से अलाइन करती हैं और मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो ये होता रहा है, ये हर जगह होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक रिमार्केबल शिफ्ट इस इलेक्शन को कवर करती, चूँकि 2015 का इलेक्शन भी मैंने कवर किया था, तो 2015 और 2020 के 20 के जो चुनाव हैं उन दोनों में जो एक रिमार्केबल डिफरेंस दिखा, ऑफ कोर्स तो कोविड पैंडेमिक के बाद ये पहला इलेक्शन है तो ये अपने आप में एक नई चीज़ है। दूसरी चीज़ जो अभी इलेक्शन दिखा, जिस तरह से इलेक्शन में कैंपेन किया पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो मुद्दे की बात तय हुई, तो जो एक शिफ्ट दिखा जिसको हम रिमार्केबल शिफ्ट कह सकते हैं, इस बार जनता ने जहाँ भी हम लोग गए, जहाँ भी बातें हुई,
लोग अपने इश्यूज को चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे थे, या तो वो रोजगार का मसला हो, या फिर माइग्रेशन का मसला हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, या हेल्थ का इशू हो, एजुकेशन हो, इस पे लोग बड़े खुल के बात कर रहे थे और इस पे वो अपने अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी उनको एनालाइज कर रहे थे, उनके फेवर या उनके अगेंस्ट में बोल रहे थे, जो एक बिहार में जो कास्ट इक्वेशन है उससे ऊपर उठकर जो लोगों के अपने मुद्दे हैं जिन पे चुनाव होना चाहिए था उन मुद्दों पे लोग बात करते हुए दिखे। एक नया फिनोमेना दिखा, एक बहुत इनकरेजिंग फिनोमेना था कि आप अकाउंटेबल बना रहे हैं अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उनके हिट्स एंड मिसेस पे। एक बड़ी अच्छी चीज़ इस बार देखने को मिली। ऑफकोर्स तारिक साहब, अगर हम ये जानना चाहें कि बिहार की जो पुरानी राजनीतिक एक रूढ़िवादी परंपरागत जो एक राजनीति रही है बिहार की शुरू से, इस बार क्या नज़र आ रहा है कि कुछ नयापन है? और जहां तक बात करें युवाओं की बात इस चुनाव में काफ़ी की गई है, काफ़ी नए नेता अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चुनाव में। जहां तक महागठबंधन की बात करें तो लालू यादव की राजनीति इस बार इस चुनाव में एंडिंग रूप में ही नज़र आई, अंतिम छवि चुकी तेजस्वी सरकार और तेजस्वी की पार्टी की तरफ से जो पोस्टर बैनर भी बने हैं उसमें लालू और राबड़ी की जो है तस्वीरें गायब रही। तो क्या कहीं ना कहीं अब महागठबंधन की तरफ से भी ये जो है दिखाने की कोशिश हो रही है कि एक नया राजनीति है, नया धरा है बिहार में? बिल्कुल, आपने सही बात ये कही है। चूंकि आप देखिए कैंडिडेट का सिलेक्शन भी देखिए, हर अक्रॉस पार्टी लाइंस आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। इस बार जो मेन कंटेस्ट आप देखेंगे 20 से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 से ज़्यादा की तादाद जो है वो बिल्कुल यंगस्टर्स की है, वो लोग जो 30 साल के नीचे हैं उनको सारी पार्टीज ने टिकट दिया है। आरजेडी से बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे, कांग्रेस से, बीजेपी से मिल जाएंगे। श्रेयसी सिंह हैं, नेशनल शूटर रही हैं, बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन जमुई से उन्होंने लड़ा है। तो इस तरह से ये एक बात सच है और कि इस बार यूथ पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो एक अच्छी चीज़, एक अच्छा संकेत देखने को मिलता है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ग्राउंड में हम लोग गए तो एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी, ये पहले एंटी इनकम्बेंसी कास्ट के नाम पे हो सकती थी, लेकिन जो इस बार हम लोग ग्राउंड पे गए, लोगों में जो गुस्सा दिखा, तो लोग उटपटांग बात नहीं कर रहे हैं। जो यूथ है बहुत वोकल यूथ रहा है इस बार का, जो अगेन एक नई चीज़ देखने को मिली है। बिहार में जनरली साइलेंट वोटिंग कल्चर ज़्यादा रहा है, कुछ कम्युनिटीज़ को हम अलग कर दें तो उसको तोड़ के जो यूथ सेक्शन है हमारा वो बहुत वोकल दिखा। जॉबलेसनेस, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना और फिर और जो मैंने इश्यूज गिनाए वो उन सारे इश्यूज पे लोग बात करते हुए देखे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि जनरली बिहार की पॉलिटिक्स में दो बड़े एक्टर हुआ करते थे। एक लालू यादव एक बड़ा फिगर था बिहार की पॉलिटिक्स का। अगर मैं आपको ये कहूँ कि लालू यादव के बगैर बिहार की पॉलिटिक्स को इमेजिन नहीं किया जा सकता है, तो वो बहुत कुछ उसमें सच्चाई होगी। इसलिए कि आप देखिए ये चुनाव लालू राबड़ी राज को ख़त्म हुए 15 साल गुजर गया, 30th ईयर में अगेन ये चुनाव हो रहा है। 15 साल बीच में भाजपा जेडीयू के गठबंधन की सरकार रही, 12 साल हम मान लें, 13 साल मान लें, 2 साल महागठबंधन में वो चीफ मिनिस्टर रहे नीतीश कुमार। लेकिन आज भी सारी जो पार्टीज है, जो सत्ता पक्ष है, वो उस पिछले जिसको जंगल राज, कोट अनकोट जंगल राज कहते हैं, उसका डर देखा के बहुत सारी जो सत्ता पक्ष के बहुत सारे घटक हैं वो वोट मांगते हुए देखें। जो रूलिंग जो अपोजिशन अलायंस है वो भी अपोजिशन अलायंस उस 15 साल के कोट अनकोट अचीवमेंट पे और उस वक्त जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई हुई उसके उस पे वोट मांगता हुआ दिखा। तो इससे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि लालू यादव बिहार की राजनीति के एक धुरी हैं जिनके आगे पीछे ही वो होगा। लेकिन उसमें जो बिल्कुल नई बात दिखी वो ये कि लालू यादव को, मतलब वो उनकी पिच हुआ करती थी कास्ट, सोशल इंजीनियरिंग। नीतीश कुमार को जनरली मैन ऑफ डेवलपमेंट माना गया है, डेवलपमेंट करने वाला आदमी माना गया, काम करने वाला आदमी माना गया था, तो उनका पिच वो डेवलपमेंट हुआ करता था। लेकिन
तेजस्वी यादव ने एक बहुत जो क्या कहा जाए एक विजनरी वो डिसीजन लिया, और उन्होंने वो विजनरी डिसीजन ये था कि नीतीश कुमार को उनके पिच पे जाके उनके टर्फ पे जाके चैलेंज किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, और उसका मैथमेटिक्स लेके आ गए कि कैसे देंगे। और ये एक ऐसा पत्ता था जो कि पूरे इस इलेक्शन के पूरे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था उस डिस्कोर्स को बिल्कुल इसने चेंज कर दिया। आखिरी तक जो सत्ता पक्ष है या जो और पार्टियां हैं इसको काउंटर बहुत सक्सेसफुली नहीं कर पाई। बिहार का भी कि काफी ज्यादा तादाद में संख्या में प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जो बाहर जाके जो है अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कहीं न कहीं 10 साल में यहाँ की सरकार जरूर फेल्योर रही कि उन लोगों को रोजगार अपने राज्य में नहीं मिल पाया। लेकिन सुनीता सिंह जी, डर जो है जंगल राज का दिखा करके क्या इस बात को नीतीश कुमार भुला सकते हैं कि रोजगार नहीं दे पाए 10 साल में? विकास का एक उनका एक अलग अंदाज रहा, क्या बोलेंगे? नहीं, बेरोजगारी तो है, लेकिन चूंकि जंगल राज को तो हम लोग झेले हैं, तो हम लोग तो देखे हैं उस राज का, ये तो कहीं ना कहीं उसका खौफ तो रहेगा ही ना, अखा महिलाओं में रहता है। नीतीश कुमार के आने के बाद विकास तो हुआ ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सड़कें हम लोग उस समय भी चलते थे, और पूर्णिया की ही सड़कें, मेरे ख्याल से हरदा से पूर्णिया आने में 1 घंटा लग जाया करता था, हम लोग वो सड़क भी देखे हैं। मतलब आपको लगता है कि विकास पुरुष का उनका तो एक उपाधि भी दी गई नीतीश कुमार जी को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज चुनाव में नीतीश कुमार किसी भी सभा में, शायद ही इक्का दुक्का ऐसी सभाएं होंगी जिसमें उन्होंने अपने काम की चर्चा किया होगा, ज्यादातर वो लालू के समय को क्यों याद दिलवा रहे हैं, अपनी उपलब्धि को क्यों नहीं वो सामने रख रहे हैं? उनको रखना चाहिए, अपनी उपलब्धि को रखना चाहिए, लेकिन हाँ, युवाओं में तो बेरोजगारी बढ़ा है, बेरोजगारी इस बार, और इस पे काम करने की आवश्यकता है। हाँ, जो भी सरकार है वो तो मिलना ही चाहिए, और महिलाओं को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, वो तो होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार ये भी मानती हैं कि जरूर जो है बिहार में आवश्यक है, जो भी सरकार आए उस पर उसको गंभीरता से ध्यान देना होगा। अंकित कुमार हैं, युवा पत्रकार हैं, पूर्णिया की थोड़ी सी बात इनसे हम करेंगे। पूर्णिया के काफ़ी विधानसभा क्षेत्रों में आप गए पत्रकारिता करने के लिए, लोगों से मिले, जमीनी स्तर पर लोगों से आप मिले। अगर हम एक विधानसभा की नहीं, अगर पूरे पूर्णिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जदयू सरकार, NDA BJP समर्थित और महागठबंधन, किस तरह का माहौल आपको नजर आया? देखिए, यहाँ 7 विधानसभा है जिसमें से कि JDU और BJP दोनों का कैंडिडेट है, और कुल मिला के बात किया जाए, हम जहाँ जहाँ गए हैं और तमाम लोगों से जानने का भी कोशिश किए कि इस बार किसकी सरकार, और हर एक मुद्दे पे भी हमने बात किया है। सबका कहना है कि यहाँ से कुछ लोगों का कहना था कि NDA सरकार ही बनना चाहिए, नीतीश के नेतृत्व में विकास हुआ है, विकास दिखाई दे रहा है, जहाँ रोड, बिजली, पानी ये सब की समस्या थी अब नहीं है, हम लोगों के बीच पहुँच गया है। वहीं कुछ तबके का ये भी कहना था, हम लोग जो युवा वर्ग थे उनका ये भी कहना था कि हम लोग बदलाव इस बार चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान में बेरोजगारी बढ़ी है, और इसलिए हम लोग युवा सरकार चाहते हैं, जो भी बने युवा सरकार। आपको क्या लगा कि युवा जो मतदाता है पूर्णिया जिला की, जहां तक बात करें, तेजस्वी पर ज्यादा भरोसा इस बार जता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो विकास पुरुष कहे जाते आ रहे हैं बिहार में, उन पर भी अभी भी भरोसा बरकरार दिख रहा है कि तेजस्वी का नया एक लहर जो आ रहा है, तेज तेजस्वी सरकार जो नारा काफी चला है, किस तरह से लोगों का प्रतिक्रिया रहा? कि अगर यहाँ के युवा की बात की जाए तो युवा में भी 2-3 ग्रुप, ठीक है, उसमें कुछ युवाओं का कहना है कि नीतीश सरकार के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं, और विकास का भी काम बढ़ रहा है, शिक्षा में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये सभी दिए हैं पूर्णिया को, और इस पे हम लोग को विश्वास है कि आगे युवा के लिए इस बार जो बनेंगे तो युवा के लिए भी कुछ काम करें। लेकिन वहीं कुछ युवा का तेजस्वी 10 लाख के जो अपना कार्ड खेले हैं उस पे भी रोजगार वाली नौकरी देने यहाँ लोगों का कहना है युवाओं को कि इस बार अगर तेजस्वी सरकार बनती है तो 10 लाख रोजगार हम लोग को भरोसा कर रहे हैं, यही दिखाई दे रहे हैं।
तेज और तेजस्वी सरकार की बातें इस बार चुनाव में काफी चल रही है। काफी तेज रफ्तार में तेजस्वी इस बार दिखे हैं। लालू यादव की जो एक जेनेटिकल जो पहचान होती है तेजस्वी की, वो इस विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में तेजस्वी उतने ज्यादा आक्रामक नहीं दिख रहे थे जितना कि इस बार के चुनाव में वो दिखलाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारा एक हेलीकॉप्टर काफी है उन 30 हेलीकॉप्टरों के बनिस्पत जो एनडीए गठबंधन के लोगों ने जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तेजस्वी अपने तरीके से वो नई राजनीति की धारा को दे रहे हैं। हालांकि ये भी काफी जगह सवाल उठाया गया कि तेजस्वी के जो है बैनर में लालू और राबड़ी क्यों गायब नजर आ रही हैं? क्या तेजस्वी बिहार के जनता को, युवाओं को ये जताना चाह रहे थे कि लालू का जो जंगल राज का जो एक संबोधित एक बयान, ये शुरू से लोग कह रहे हैं कि जंगल राज उस समय हुआ करता था उस तरह की सरकार में, उस चीज को साइड करने के लिए, एक नई छवि बनाने के लिए आरजेडी की, एक नई राजनीति के पटल को जो है बिहार वासियों को जताने के लिए वो सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? हो सकता है कि उनकी ऐसी सोच रही हो, लेकिन कोरोना काल में जो बिहार के प्रवासी मजदूरों की स्थिति लोगों ने देखा, जो सड़कों पर बदहाली हुई, कई मजदूर की मौत भी हो गई और आवागमन का भी साधन में काफी डिस्टर्ब रहा। तो तारिक जी, नीतीश कुमार नो डाउट, लालू यादव और नीतीश कुमार दो बड़े चेहरे बिहार के शुरू से रहे हैं, तेजस्वी की बात करें और लोजपा के जो है चिराग पासवान की बात करें, तो ये दो युवक अभी नजर आ रहे हैं ऐसे कि नई राजनीति को नई दिशा देने आने वाले भविष्य में देंगे, लेकिन क्या इन दोनों के आगे नीतीश कुमार इस बार कुछ फीके नजर आ रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनको घेरा जा रहा है, जैसे शराबबंदी का मुद्दा। चिराग पासवान कहते हैं कि शराबबंदी बिहार में बिल्कुल जो है विफल रही है, शराबबंदी में भ्रष्टाचार हुआ है, नीतीश कुमार कमीशनखोर हैं और अगर उनकी सरकार बनी तो इस पर इंक्वायरी बैठाई जाएगी। यहां तक उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ सकता है इस मामले में। दूसरी तरफ तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार काफी दिनों से लंबी राजनीति कर रहे हैं, वो थक चुके हैं, उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस तरह के जो प्रहार इस बार नीतीश कुमार पर किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, और क्या आपको लगता है कि का जो है इस तरह का स्टैंड काफी कमजोर इस बार नीतीश कुमार दिख रहे हैं पिछले चुनाव की अपेक्षा? ये बात सही है कि नीतीश कुमार बैकफुट पे खेल रहे हैं इस बार। और ये जो आपने बात कही कि चिराग ने यह कहा, तेजस्वी ने यह कहा, लेकिन ये सब पॉलिटिकल रिटोरिक है, ये इलेक्शन में होता है। हालांकि जैसा सौरभ ने कहा कि चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, निगेटिव्स की जगह आप अपने पॉजिटिव्स पे बात करते तो ज़्यादा अच्छा था। अगर आप मैन ऑफ डेवलपमेंट थे, जैसा मैम ने कहा कि डेवलपमेंट किया है, तो डेवलपमेंट जब आपने किया है वो आपका प्लैंक है, तो आपको उसको लेके आना चाहिए लोगों के सामने। इनिशियल 5 ईयर्स में सड़कों पे काम हुआ, लेकिन बिहार में एक एडवांटेज क्या मिला नीतीश कुमार को कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दो सेंटर की स्कीम हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा, वाजपेयी गवर्नमेंट में ये इंडिया शाइनिंग का ये सब प्रोजेक्ट हुआ करता था, हालांकि उसमें वाजपेयी गवर्नमेंट गिर गई। लेकिन आज जो आप चारों तरफ जिन सड़कों को जोड़ लेते हैं आप नीतीश कुमार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनफैक्ट ये सेंटर का प्रोजेक्ट है जो कि अभी चल रहा है और चलता रहेगा, उसी में आपकी सारी 4 लेन्स बनी थी, तो उसका क्रेडिट तो आप स्टेट को मत दीजिए। स्टेट के अंदर में आता है स्टेट हाईवेज, ठीक है, मोर और लेस आपको स्टेट हाईवे दिखेंगे, कहीं कहीं बहुत ख़राब हैं, लेकिन रोड की जो लिंक रोड्स आपके टूट रहे हैं, ये आपने फर्स्ट 5 ईयर्स में बनाया तो, लेकिन उसको जिस तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए वो नहीं है। बहुत सारी अब तो बहुत सारे गांव हम लोग गए जहां जाने का रास्ता नहीं था। इसी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बाईसी में एक गाँव है ताराबारी, नीतीश कुमार चले जाएं वहाँ पे जो उनका वहाँ पे जो आरजेडी के एमएलए हैं, क्यों वोट करे उनको कोई भाई क्यों वोट करे? तो नीतीश कुमार क्या उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूर्णिया के चले जाएं और जाके दिखा दें उस गांव में, तो फिर समझ में आता है। अगर डेवलपमेंट उसको कहते हैं कि आपने 10 सड़कें बना दी, लेकिन आपके अभी भी गांव इतने रिमोटेस्ट गांव हैं, क्या किया है आपने वहां पे? 15 साल, 15 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। आप 15 साल में, 21st सेंचुरी में हम रोड की बात करेंगे, 21st सेंचुरी में हम बिजली की बात करेंगे, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी आ रही है और हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, सड़कों पे तो बात नहीं होना चाहिए, तो बहुत वो है कि बेसिक नीड है कि सड़कें होनी चाहिए। आपके यहाँ भूखमरी है, आपके यहाँ लोग ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा, उसकी बात कर रहे हैं। आपने सर, सॉरी टू से, लेकिन आपने या जो भी हम किसी एक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल, जो गवर्नमेंट्स आती गई
अगर लोग एजुकेशन की बात करेंगे, 80s से एजुकेशन का फॉल शुरू हुआ, क्यों नहीं लोग बोलते हैं? 80s के 80 के दशक से जगन्नाथ मिश्रा की आखिरी जब सरकार जा रही थी, उस वक्त कॉलेज का आप हिस्ट्री खोलिए, कॉलेज का सेशन उठा के देखिए, उस वक्त 5-5 साल में ग्रेजुएशन होता था लालू के टाइम में। और ये हुआ नीतीश कुमार ने क्या कि आज 3 साल में ग्रेजुएशन कौन सा सी यूनिवर्सिटी करा लेती है बिहार की। उसके बाद आप आ जाइए, सड़क बहुत बेसिक नीड्स थी, ये इस पर आज हमको बात ही नहीं करना चाहिए, आज हमको टेक्नोलॉजी पार्क की बात करनी चाहिए थी। अब आइए अगेन, नीतीश कुमार क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं डेवलपमेंट पे? आपको मैं बता दूं, लोग जानते होंगे बिहार में जो बिहार गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, 27 शुगर मिल, अगर मैं नहीं हूँ 22 या 27 शुगर मिल हुआ करती थी। आपका ये जो पूरा नॉर्दर्न बिहार का रीजन है, ये इंडिगो और नील जिसको आप कहते हैं, इंडिगो और शुगर केन यानी गन्ने की खेती के लिए बड़ी फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। इन इलाकों में बहुत खेती की जाती थी गन्ने की, और आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ बनमनखी में शुगर मिल थी। सारी शुगर मिल कोलैप्स हो गई, 15 साल आपकी सरकार रही, आपने उसके रिवाइवल पे क्या किया? और नीतीश कुमार क्यों, भाजपा क्यों नहीं जवाब देगी? डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसके हैं? भाजपा ने इस पूरे इलेक्शन में जो एंटी इनकम्बेंसी था उसको नीतीश, उसका ठेकरा बहुत अकलमंदी से नीतीश कुमार के सर पे फोड़ दिया। तो आप जाएंगे ग्राउंड पे, लोगों से पूछेंगे तो लोग भाजपा को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। ये जो भाजपा चाह रही थी, इसने अपनी इस स्ट्रेटजी में कामयाबी हासिल की। चिराग पासवान से इनका टैसिट अलायंस है, नीतीश कुमार को ऐसे ही कमजोर कर दिया। तो बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कि जहाँ पे नीतीश, जो चिराग पासवान के कैंडिडेट हैं बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ पे एक बहुत कोई स्ट्रांग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहा होगा। तो इस तरह से जो पॉलिटिक्स है, भाजपा ने फील्डिंग बड़ी अच्छी की है और उसका उसमें उसकी कामयाबी दिख रही है। तो ऑफकोर्स इसमें नुकसान होगा। अभी आप, मैंने बताया कि जॉब क्रिएशन 15 साल में क्या किया था? बेसिक नीड है ना हमारी, हम बिहार में पैदा हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली में जाके एक न्यूज़ चैनल में काम करना पड़ रहा है, मैं पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे रहता हूँ, क्यों ज़रूरत पड़ी? जो हमारी वहाँ पे सैलरी है उसकी 50% सैलरी मुझे मिलती बिहार में होते, हम अपना स्टेट था, हम पटना में रहते, हम अपनी फैमिली के साथ रहते, हमारी सेविंग ज़्यादा अच्छी होती, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। जो प्रवासी लोग मजदूर कर दे रहे हैं, एवरी इंडिविजुअल गोज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ हिज और हर स्टेट इज अ माइग्रेंट। तो आप मजदूर को प्रवासी मत कहिए, हर वो आदमी जो अच्छी जिंदगी के लिए अपने इससे बाहर जा रहा है वो प्रवासी है। और तो आप देखिए ना कि शुगर इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, कुछ नहीं हुआ। जूट मिल का, मुक्तापुर जूट मिल, सहरसा में बैजनाथपुर जूट मिल, कटिहार में 2 जूट मिल, कितने जूट मिल हो गए, बंद हो गया, कुछ नहीं हुआ। मुक्तापुर का अभी शुरू हुआ है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद आइए पेपर मिल, आपके मधुबनी में पेपर मिल हुआ करता, समस्तीपुर में अशोक पेपर मिल दरभंगा में था, कई सारे मिलते बंद हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। आप जाइए उनके यहाँ, अभी भी मशीनरीज आपको देखने को मिली, एकर्स ऑफ लैंड पड़ा हुआ है जिस पे कुछ नहीं हो रहा है, उस पे भूमि जो माफिया है वो कब्जा कर रहे हैं। अब आगे आपको बता दूं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आर्थर एंड बटलर अंग्रेजों के जमाने की कंपनी थी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक्वायर किया था, भारत वेगन इंजीनियरिंग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड करके वो कंपनी थी, उसकी एक यूनिट मुकामा में थी। रेलवे की जो मालगाड़ी होती उसका डब्बा बनता था वहां पे, बंद हो गई, दोनों यूनिट बंद हो गई। उसके बाद आप आइए कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें, आप गया में चले जाइए, पावर लूम का बहुत जबरदस्त नेटवर्क था, खत्म। इतनी इंडस्ट्रीज बिहार में रही हैं और वो नहीं चल पाई हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें योगदान रहा होगा कि सपोर्टिव गवर्नमेंट नहीं रही, हालांकि एनडीए गठबंधन में सेंट्रल भी एक ही साथ रही है। साल होने जा रहे हैं, यहाँ पे भी एनडीए की गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी एनडीए की गवर्नमेंट है, क्यों नहीं? कहाँ गया आपका स्पेशल राज का जो पैकेज मांग रहे थे, उस पर कहाँ बात हुई? जो 10 करोड़ दे दूँ, 15 करोड़ दे दूँ, कितना फंड आया उसका, उसका कोई लेखा जोखा है? उसका ब्लूप्रिंट दिखाया जब इलेक्शन में गया नीतीश कुमार ने, कहाँ आया वो आया पैसा, तो यूटिलाइज कहाँ हुआ, कहाँ लगा, अगर आया भी कि नहीं आया, उसकी बात खत्म है इसमें। बिल्कुल ये बात है कि तेजस्वी भी अपने चुनावी सभाओं में कई बार जो है सो इस बात को रखते हैं सामने कि डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, लगातार चल रही थी, लेकिन डबल इंजन होने के बावजूद भी जो काम बिहार में होना चाहिए था, जिस तरह से
तारिक साहब ने बतलाया अपने पत्रकारिता के अनुभव से, और चूंकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं, काफ़ी नज़दीक से बिहार को समझते हैं, कितने ऐसे उद्योग हैं जो काफ़ी वर्षों पहले बंद हो चुके हैं, अगर उनको उस पर जो है मेहनत की जाती, सरकारों ने गंभीरता दिखाई होती तो वो जरूर उद्योग आज बिहार के जो है चल रहे होते। और ये जो प्रवासी मजदूर और बेरोजगारी का जो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दूर होता। चलिए, हम पत्रकार और यहाँ के पूर्णिया के जो लोकल पत्रकार हैं उससे हम डिबेट कर रहे थे कि बिहार को किस जो है नज़रिए से ये देख रहे हैं, और विशेषकर इस चुनाव को। अंत में हम दो शब्दों में आप लोगों से चाहेंगे कि कुल मिलाकर के जो आकलन आप लोग निकाल रहे हैं किस तरह का लग रहा है। अंकित, पूर्णिया की बात आप बतलाएंगे कि आपने जो है विधानसभा क्षेत्रों में घूमा, जनता का मिजाज महागठबंधन के तरफ दिख रहा है या विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार के तरफ, दो शब्द में। कुल मिला के एनडीए के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। परिवर्तन की सुनाई तो हर जगह दे रही है, परिवर्तन परिवर्तन, जमीनी हकीकत क्या देखा? जमीनी हकीकत में एनडीए अभी भी यहाँ मजबूत दिखाई दे रहा है पूर्णिया में। हाँ, जाना है, बहुत आदमी से बात किया है, हर एक तबके के लोगों से बात किया है, सब इस बार खुल करके एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो कि गौण तरीके से अपनी बातों को सामने तो नहीं रखते हैं, लेकिन एक कैडर वोटर होते हैं जो समय पर जाकर के सिर्फ पोलिंग बूथ के अंदर ही अपनी जो है वोटिंग करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक बिहार चुनाव में, अब तो अंतिम चरण है, कल मतदान शुरू हो जाएगा सुबह में, अगर आप देखेंगी पूर्णिया की बात करते हैं किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? पूर्णिया सदर से तो मेरे ख्याल से भाजपा ही आ रही है, और ऐसे भी ऑल ओवर हमको तो एनडीए ही सुनने को मिल रहा है। बिहार के लेवल पे अगर देखें नहीं, कुछ लोजपा को जाती दिख रही है, लेकिन फिर भी सरकार तो नीतीश की ही बन। कुल मिला के एनडीए गठबंधन को आप अपना मार्च दे रही हैं। सौरभ जी, आप जो अभी तक का कुल अगर एक नजरिया देखा जाए, ऑल ओवर बिहार की बात करते हैं हम, नॉट मुजफ्फरपुर, नॉट ओनली पूर्णिया, आप अपने तरीके से क्या आकलन करना चाहेंगे, किस तरह का हवा जा रहा है? सर, अफसरशाही के प्रति अति आक्रोश 15 साल का, और महागठबंधन की ओर से नौकरी का जो कार्ड खेला गया है, ये दोनों को मिला के आकलन आके बैठता है कि अभी तक सेकंड फेज हो चुका है, महागठबंधन का पलड़ा भारी है, और कल के फेज के बाद ये क्लियर होगा कि वो जो रुझान है, जो हवा कही जा रही है महागठबंधन की, वो जमीनी तौर पे कितनी सशक्त है या सिर्फ हवा हवाई बात है। हम पत्रकारों से उनका राय जान रहे हैं, ये न किसी एक पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है न कुछ। पत्रकार लोग जब न्यूज कवरेज के लिए जब जमीन पर जाते हैं तो वो अपने अनुभवों को जरूर शेयर करते हैं, उनका भी अपना एक मत होता है, क्योंकि वो एक खास विधानसभा क्षेत्र या एक जगह की बात नहीं करते हैं, वो कई जगह पे उनका मूवमेंट होता है, कई तरह के कई लोगों से उनका मुलाकात होता है, उनका मिलना जुलना होता है। अंत में, आप सबसे सीनियर हैं इस डिबेट में और काफ़ी अच्छी तरीके से बिहार को समझते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, अंत में कहा जाए तो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव अगर कहा जाए तो आप क्या देखेंगे? मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मोटा मोटी आकलन जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो इलेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकूँ, वो करना भी नहीं चाहिए, चूँकि कल पोलिंग होनी है लास्ट फेज की। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, बहुत मजबूती के साथ सबों ने इस चुनाव को लड़ा है, और जनता को डिसाइड करना है, कल की वोटिंग होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जिस पे, जिनके वादों पे या जिनके दावों पे जनता भरोसा करेगी, वो पार्टी विक्ट्री रजिस्टर करेगी। बिल्कुल, चुनावी वायदे, बड़े बड़े मैनिफेस्टो में लिखी गई बातें, बड़ी बड़ी रैलियां, हेलीकॉप्टरों का शोर, और अलग अलग नायाब तरीका से जो है आजकल के राजनीतिज्ञ जो है प्रचार करते हैं। जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है, जनता किस पर भरोसा करेगी। हालांकि दो चरण का चुनाव का जो है मतदान हो चुका है, आखिरी 78 सीटों के लिए कल सुबह से जो है मतदान शुरू हो जाएगा। जनता किसके पक्ष में जाती है, किसके बातों पर ज़्यादा भरोसा करती है, ये 10 तारीख का जो है मतगणना, उस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार की गद्दी आखिर कौन ले जा रहा है। फिलहाल आवाज 24 न्यूज़ की चुनावी यात्रा में भी आपने सभी जगहों की रिपोर्ट्स देखे, और आज अंतिम दिन, तीसरे चरण का कल चूंकि मतदान होने वाला है, तो हमने अपने एक पत्रकार साथियों के साथ ही दो
चंद बातें बिहार की राजनीति पर आपके सामने प्रस्तुत की, फेसबुक लाइव के द्वारा भी, आवाज 24 न्यूज के और यूट्यूब चैनल के द्वारा भी। तो 10 तारीख का तो सबको इंतजार है कि बिहार में किसकी बयार चलेगी और किन नेताओं के वादों पर बिहार की जनता ने भरोसा किया है। और आवाज 24 न्यूज एक ही अपील करता है, चाहे आप किसी भी दल को, किसी भी नेता को वोटिंग करें, लेकिन वोटिंग अवश्य करें, मतदान केंद्र पर जरूर जाएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका ये एक मत इस बिहार की राजनीति, इस बिहार के विकास के दौर और इस बिहार के भविष्य को संवारने वाला, सजाने वाला और आगे बढ़ाने वाला होगा। इसलिए आप मतदान जरूर करें। फिलहाल मैं ओम प्रकाश मिश्रा, फेसबुक लाइव आवाज 24 न्यूज की और यूट्यूब चैनल के तरफ से अलविदा। हम कल मतदान की पल पल की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें आवाज 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।